morning, a very very good morning to all of you. So I hope कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, है ना? Okay, so आज हम करने वाले हैं English. English के अंदर आज हम सीखेंगे write small letter L. Small letter L कैसे लिखते हैं, उससे related words कौन कौन से होते हैं, वो हम आज के वीडियो में करने वाले हैं. समझ में आ गया आप सबको? Okay, so मैं आपको first of all आपकी बुक दिखा देती हूँ. This is your English small letter workbook, है ना? आपकी small letter की workbook है. इसमें आपको पेज नंबर 24 पे देखो L दिया हुआ है. स्मॉल लेटर K तक वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. उसके रिलेटेड वर्ड्स भी हमने देखे थे ना. और जब भी हम नया लेटर कर रहे हैं तो पुराना रिवाइज भी कर रहे हैं. लाइक कैपिटल लेटर्स भी हम रिवाइज करते जा रहे हैं और नया सीख रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ स्मॉल लेटर पढ़ा रही है. कैपिटल और स्मॉल साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ताकि कैपिटल का आपका रिविजन हो जाए और नया स्मॉल लेटर आप सीखो और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आए आपको कि कैपिटल कैसा दिखता है और स्मॉल कैसा दिखता है. तो आज भी हम यही करने वाले हैं. कैपिटल L और स्मॉल L दोनों सीखेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आज हम देखने वाले हैं. सो कैसे लिखते हैं कैपिटल L? स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन. तो ये बन गया आपका कैपिटल लेटर L. ये थ्री लाइंस में लिखते हैं और स्मॉल L भी हम थ्री लाइंस में लिखते हैं, लेकिन उसमें ऐसे सिर्फ एक सीधी लाइन कर देते हैं, स्टैंडिंग लाइन. तो ये क्या है? ये कैपिटल L है और ये है स्मॉल L. वापस से करेंगे कैपिटल L के लिए स्टैंडिंग लाइन और उसी को ज्वाइन करते हुए स्लिपिंग लाइन, और सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन कर दिया तो वो हो गया आपका स्मॉल L. दोनों थ्री लाइंस के अंदर ही लिखेंगे. अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, ये हो गया आपका कैपिटल L और दिस वन इज योर स्मॉल L. अगेन कैपिटल के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो ये हो गया कैपिटल L और ये हो गया आपका स्मॉल L. अगेन कैपिटल L, स्मॉल L, कैपिटल L और स्मॉल L. अगेन कैपिटल L, स्मॉल L, कैपिटल L, स्मॉल L. दोनों थ्री लाइन्स के अंदर ही लिखते हैं, है ना? उस चीज का आपको ध्यान रखना है. भले ही ये स्मॉल लेटर है लेकिन लिखेंगे हम थ्री लाइन्स के अंदर ही. कैपिटल L, स्मॉल L, कैपिटल L, स्मॉल L, कैपिटल L, स्मॉल L. तो समझ में आ गया सबको कि हमने कैसे लिखा. कैपिटल L के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन ब्लू से पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर ब्लू लाइन पे छोटी सी स्लिपिंग लाइन कर दी है, फिर ये ब्लू पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक सिर्फ एक सिंगल लाइन है, है ना? सो समझ में आ गया आपको कि कैसे लिखा ये हमने. अब देखेंगे L से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. तो देखो एक पिक्चर तो आपकी बुक में दिया हुआ है, बाकी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं. तो L is for lion, L is for leaf, leaf मतलब पत्ते. फिर L is for lamb, है ना? L is for lollipop, पसंद है ना आप सबको? लॉलीपॉप तो सबकी फेवरेट होती है. यस. फिर L is for long, होता है? यस. L is for large, L is for love. तो ये सारे के सारे वर्ड्स इससे बने हैं, लेटर L के साथ, है ना? तो आपको क्या करना है, आपकी ये जो वर्कबुक है उसके अंदर ट्रेसिंग पैटर्न खत्म करना है दोनों पेज पे और फिर खुद से लिखने का ट्राई करना है. तो टू पेजेस आपकी वर्कबुक में है और वन पेज आपको आपके इंग्लिश की नोटबुक के अंदर लिखना है. समझ में आ गया सबको? ओके. अभी वही मैं आपको बता रही हूँ कि L से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. ये हमारे लिए सीखना इसलिए जरूरी है
क्योंकि एग्जाम में जब आपको सिर्फ पिक्चर दिए हुए होंगे और पूछा जाएगा कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, तो जब आपको उस पिक्चर को देख के समझ में आएगा तब जाके आप लिखोगे ना। जब आपको ये पता होगा कि एलिस फॉर लायन होता है, एलिस फॉर लोटस होता है, एलिस फॉर लव होता है, या लीफ का पिक्चर हो, लैम्प का आ जाए, लॉलीपॉप का आ जाए, तो उसको देख के जब आपको ये पता होगा कि ये एल से स्टार्ट होता है तभी तो बता पाओगे ना, अदरवाइज कैसे बता पाओगे, है ना। सो इसके लिए हमको वर्ड्स याद करने जरूरी होते हैं कि इस पर्टिकुलर लेटर से कितने वर्ड बने हैं और वो कैसा दिखता है, राइट। सो फिर से बता देती हूँ मैं, एल इज फॉर लायन, L is for leaf, L is for lamb, L is for lollipop, L is for lotus, L is for love, L is for long, L is for large, ठीक है। सो हमने अराउंड 8 to 9 वर्ड्स हमने देख लिए विथ लेटर L। तो आपको ये वर्ड्स याद करने हैं और वर्कबुक और नोटबुक में पूरा एक पेज लिख के फिनिश कर लेना है। समझ में आ गया सबको, और ट्राई करना खुद से लिखने का। इसमें भी ट्रेसिंग लाइन हो गया, उसके बाद आपको देखना नहीं है वापस, तब तक आपको आ जाना चाहिए। नोटबुक में तो वैसे भी आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा, है ना। सो बिना देखे लिखना, अच्छे से लिखना, इन अ गुड हैंड राइटिंग। स्टैंडिंग लाइन है तो ये नहीं कि 4 लाइन भर के आप उसको लंबा लंबा कर दिया, नहीं, वो 3 लाइन्स के अंदर ही आएगा। ओके, देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, 3 लाइन्स के अंदर ही है ना एल, तो आपको वैसे ही फिनिश करना है, ठीक है। सो ये कर लेना दोनों में, नोटबुक और वर्कबुक में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।